नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ, और ये अपडेट ये है आपको कुछ समझा? बिकॉज ये साइलेंट अपडेट था। ओके, एक कंपनी ने साइलेंटली फीचर्स निकाल दिए, इसलिए मैं अपडेट आपको साइलेंट दे रहा था। तो ये चीज है कि सारे लोग अपने को यड़ा बनाने में लगे है। XUV 300 माचो गाड़ी, कॉम्पैक्ट SUV में सबसे सेफ गाड़ी है तो कोई XUV 300 है। पावरफुल गाड़ी है, अगर पावर फिगर्स की बात की जाए तो पेट्रोल के ऊपर 109 bhp एंड 200 Nm टॉर्क देखने को मिलता है। वही डीजल के ऊपर 115 bhp पावर एंड लगभग 300 Nm टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। और महिंद्रा जानी जाती है साइलेंटली फीचर रिमूव करने के लिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने फीचर रिमूव किए थे और ये साल भी उन्होंने फीचर्स रिमूव किए हैं। तो बात ऐसी है ना कि एक फीचर रिमूव नहीं किया उन्होंने, क्या किया है, 17 इंच डायमंड कट जो अलॉयज है उसे निकाल के 16 इंच डायमंड कट अलॉयज लगाए हैं। अलोंग विद दैट, इतना ही नहीं, कीलेस एंट्री उन्होंने निकाल दिया है टॉप वेरियंट से। अलोंग विद दैट उन्होंने पीछे के जो रियर के जो आपके आमरेस रहता है वो भी निकाल दिया है दोस्तों, उसमें से कप होल्डर भी निकाल दिए हैं। तो तीन जो फीचर्स है वो कम किए हैं महिंद्रा ने XUV 300 से, टॉप एंड वेरिएंट से। तो ये कस्टमर लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक अपडेट दे दूं। तो हर कोई अपने को यड़ा बना देता है, याद रखिए। तो फिर भी इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, 13.5 लाख तक टॉप वेरिएंट चला जाता है, विच इज कॉम्पैक्ट SUV में सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये गाड़ी माचो गाड़ी है, अभी भी सेफ है एंड चलाने में सबसे बड़ा मज़ा आता है ये गाड़ी। तो जो टायर प्रोफाइल थे वो पहले थे 215/55 R17, ठीक है, अब उसे चेंज करके 205/65 R16 के किए गए हैं। जो इसका रीज़न बताया गया है वो बेटर स्टेबिलिटी के लिए, R&D चेंजेस आप इसे बोल सकते हैं, बेटर स्टेबिलिटी के लिए किया गया है। लेकिन ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया गया है, माइलेज बढ़ाने के लिए किया गया है, ये हमें पता चलेगा टेस्ट ड्राइव में ही, ठीक है, कस्टमर रिव्यू के बाद। तो वहाँ देखेंगे कि क्या ये जो चेंजेस है वो कॉस्ट कटिंग के लिए किए गए हैं या R&D चेंजेस है। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो ये चेंजेस किया गया है वो कॉस्ट कटिंग है या फिर R&D चेंजेस है। सो बस दोस्तों, एंड जो बाकी के दो है तो वो तो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग होने वाले है, कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ओके, उसकी प्राइस बढ़ चुकी है ऐसा वो बोल रहे हैं। सो प्राइस भी बढ़ा दी है एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ चुका है, तो वो रीजन से बता रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कोई अपना प्रॉफिट छोड़ता नहीं, याद रखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी हो उसका प्रॉफिट वो उतना पकड़ के ही चलता है। सो उस हिसाब से देखते हैं कि वो क्या इम्पैक्ट करेगा कस्टमर के ऊपर। अभी कुछ लोग बोलोगे कि R17 का जो है वो रिम्स के ऊपर जो टायर्स है ना वो कट होते थे, लेकिन एज सच ऐसा जो केसेस है वो ज़्यादा नहीं थे, जैसे फोर्ड इकोस्पोर्ट में दिखाई देते थे वैसे केसेस हमें इसमें नहीं दिखाई देते थे। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि वो R17 में हो सकते थे, मुझे तो नहीं लगता, मुझे केसेस वो मालूम नहीं है। तो ये एक अपडेट है कि हर कोई अड़ा बनाने में लगा है, साइलेंटली फीचर्स रिमूव कर रहे हैं, प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट जान लो और अकॉर्डिंगली आपके लिए गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।